हेलो एवरीवन। सो आज मैंने बनाया था सेवई की खीर जो बहुत ही टेस्टी लगती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा एक चम्मच घी डाला ओनली, और उसमें अब मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर लूँगी। मैंने सिर्फ ओनली काजू एंड किशमिश लिया है, आप पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं। सो ये मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया लाइट ब्राउन होने से, देखो लाइट ब्राउन हो गया। सो अब मैं निकाल लूँगी, फिर थोड़ा सा घी डाल के, और मैंने बस ये सेवैया ली है, सेवैया भी भूज लूँगी, ये भी लाइट ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद इसे भी निकाल दूँगी। और मैंने साइड में दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो दूध भी बॉईल हो रहा है। ये देखो सेवैया अच्छी खासी ब्राउन हो गई है, तो ऑलमोस्ट हो चुका है ये, और मेरा यहाँ दूध भी बॉईल हो चुका है। सो अब सेवैया को इसमें डाल देंगे। हमेशा याद रखना, दूध बॉईल होने के बाद ही सेवैया डालें इसमें, तो खीर का मज़ा आएगा। सो ये दूध बॉईल हो चुका था, सेवैया भी मिला दिया मैंने अच्छे से, सारी सेवैया मिल गई है। बस 10 से 15 मिनट इसको बॉईल होने दें, और फिर उसके बाद चीनी डाल दें। आपको अगर गुड़ अच्छा लगता है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और फिर जब खीर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। कैसी लगी रेसिपी बताइएगा। बाय बाय।